खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i News को सब्सक्राइब करिए। पटना साहिब से बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एनडीए के बिहार में 40 लोकसभा सीटें जीतने के दावे को ख्याली पुलाव बताया था। वहीं जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने साफ किया कि पटना साहिब उनकी पहली और आखिरी पसंद है। एनडीए के बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के दावे पर उन्होंने कहा, मेरी सीट भी तो नहीं गिन रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना की रैली में न बुलाए जाने से भी नाराज थे। अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वक्त आने पर सही फैसला बताएंगे और जल्द ही वे फैसला लेंगे। गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वे अक्सर विपक्षी दलों की रैलियों में दिखाई देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, अब तक पार्टी ने मुझे निलंबित नहीं किया है और ना ही मैंने पार्टी छोड़ी है, तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया? ये रैली उतनी बड़ी नहीं थी और ना ही इतनी अच्छी थी। सिन्हा ने अमित शाह के प्रचंड बहुमत हासिल करने के दावे पर भी कहा कि ये केवल पार्टी अध्यक्ष की अभिव्यक्ति है। पारिवारिक मित्र हैं और आपने देखा होगा जब भी मैं आता हूँ, जब भी आता हूँ यहाँ पे तो उनका हालचाल पूछने, मिलने, रिगार्ड्स पे करने, कर्सी कॉल करने मैं अवश्य आता हूँ, जाता हूँ। अभी आपने सुना होगा या देखा होगा, कुछ दिनों पहले, चंद रोज पहले ही मैं लालू जी से मिलने गया था। सारी प्रशासनिक कार्रवाई पूरी करने के बाद मैं लालू जी से रिम्स अस्पताल में मिलने गया था, हालचाल पूछने आया था और आज यहाँ पटना आया हुआ हूँ। किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि पारिवारिक कारण से आया हूँ और पारिवारिक कारण से आया तो मेरा फर्ज बनता था कि अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी रबड़ी देवी जी, उनके बच्चे तेज प्रताप या तेजस्वी, हमारे अपने तेजस्वी यादव या फिर हमारी मीसा यादव, ये लोग हमारे फैमिली की तरह हैं और मैं इनसे मिलने आता, कभी रिगार्ड्स का मामला था। अभी इस वक्त कोई पॉलिटिकल मामला ना देखा जाए, इसमें कोई पॉलिटिक्स ना देखा जाए तो बेहतर। चुनाव आने वाला है ना, हाँ तो मायने निकाले जाएंगे, इसके बहुत मायने निकाले जा चुके हैं और मायने और निकाले जाएंगे। ये मैं इसका ये तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं तो बिल्कुल यहाँ आया हूँ पारिवारिक मित्र होने के नाते, एक कर्टसी कॉल में रिगार्ड्स पेश करने आया था, रिगार्ड्स देने आया था। बहुत अच्छा लगा, जब भी आता हूँ बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। इनके साथ हमारा जुड़ाव और लगाव बहुत पुराना है और जहाँ तक चुनाव का मामला है, आपने कोई राजनीति की जो बात की है तो उस पर तो मैं तटस्थ हूँ, कह चुका हूँ। और उसी तरह जैसे मैंने कहा था कि पटना साहब मेरी पहली चॉइस है, पटना साहब मेरी दूसरी चॉइस है, पटना साहब मेरी आखिरी चॉइस है, तो उसी आधार को मानते हुए मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चुनाव के संदर्भ में लोकेशन वही होगा, पटना, पटना और पटना साहब। पार्टी तो पहले देखिए, जब आप लोग पार्टी देंगे, उस पार्टी देंगे तब मैं बता दूंगा कौन सी पार्टी होगी। लोग उसमें ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, वक्त आ गया, लेकिन सही वक्त पे ही सही बातें करूं तो ज्यादा। अब एक सवाल है, एनडीए सरकार की 400 सीट पे हम जीतेंगे, एनडीए का दावा है कि 400 सीट पे जीतेंगे। देखिए ये सब बातें की जाती है, मेरा अपना ख्याल है कंजम्पशन के लिए। वो हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने एनडीए में ऐसा दावा किया है, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं अमित शाह जी, वो जो प्रचंड बहुमत के लिए मशहूर हैं, उनका प्रचंड बहुमत एक एक्सप्रेशन है, वो हर जगह कहते हैं प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, दो तिहाई मतों से जीतेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए ही कहा था, राजस्थान के लिए ही कहा था, छत्तीसगढ़ के लिए ही कहा था और तो और बिहार के लिए भी पिछली बार यही कहा था, उससे पहले दिल्ली के लिए भी यही कहा था कि दो तिहाई मतों से जीतेंगे। ये बात अलग है, दिल्ली में दो तिहाई मतों से तो नहीं जीत सके, दो तीन सीटें जीत गए और हमारी स्कूटर पार्टी हो गई और केजरीवाल जी को 67 सीट्स मिल गई, भूतों ने भविष्य। तो अब रही बात यहाँ पे कि कहते हैं 40 की 40 सीटें जीतेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ उन 40 सीटों में कहीं मेरी सीट तो नहीं गिन रहे हैं ना। मेरी सीट तो लगता है जो भी होगी जहाँ से भी होगी, और आपको पता है वो सुरक्षित होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी, लेकिन 40 से 40 सीटें जो कहते हैं वो दरअसल अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहते हैं, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए कहते हैं। शायद ये ख्याली पुलाव हो सकता है, ये हकीकत नहीं हो सकता है, आने वाला वक्त बता देगा कि लहर क्या है और किस ओर है, आंधी कैसी चल रही है। ये कितना जस्टिफाई है एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना, आपने भी मांगा है,
नहीं, मैंने नहीं मांगा। देखिए मैं कह चुका हूँ उस पर, ये बात हमारे सरकार के लोगों को अपनी बातें एक सुर, एक भाषा और एक स्वर में करनी चाहिए। ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत तो अध्यक्ष महोदय ने की, जब बगैर किसी आधार के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सच्चाई के उन्होंने कह दिया कि 250 कैजुअल्टी हुई है। हमारे अपने राधा मोहन सिंह जी ने, उनको मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा 400 कैजुअल्टी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जी ने खुद कहा कि 350-400 सीटें कैजुअल्टी हुई हैं। अब आप अगर कैजुअल्टी की बातें करेंगे निराधार, तो आज हमारे शहीद परिवार भी कह रहे हैं, अगर आप हमारी सेना को सलाम करते हुए, अगर आप सेना का मनोबल सही मानों में बढ़ाना चाहते हैं या सेना की हौसला अफजाई करना चाहते हैं और अपनी बातों में विश्वसनीयता और पैदा करना चाहते हैं, तो ये आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है राष्ट्र के हितों का ध्यान रखते हुए और हमारे देशवासियों का ख्याल रखते हुए, शहीद परिवारों का ख्याल रखते हुए, उनकी मांगों का ध्यान रखते हुए, अगर आप बता देंगे या कुछ परिणाम आप दिखा देंगे जैसे बहुत सारे मुल्कों ने दिखाया है, बताया है, तो मैं नहीं समझता कोई अतिशयोक्ति होगी, कोई ज्यादती होगी।